नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज पहले चरण की वोटिंग हो गई है और पहले चरण के बाद चीजें बीजेपी के लिए ठीक दिशा में नजर नहीं आ रही है। लेकिन आज जो एक बात करनी बहुत जरूरी है और खासकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के राज्य में, आपने देखा है कि दोनों ऐसे राज्य थे जहां पर हाल में चुनाव हुआ था और दोनों के ही मुख्यमंत्रियों को साइडलाइन कर दिया गया था। शिवराज को भी बीजेपी ने ज्यादा भाव नहीं दिया और वसुंधरा राजे को भी नहीं दिया। और अब खबरें ये आ रही हैं कि दोनों ही राज्य से ये दोनों दिग्गज नेता अपनी ही कैपेसिटी में पीछे से यानी कि पर्दे के पीछे से कुछ एक बड़ा खेल करने वाले हैं जो कि बीजेपी के लिए महंगा पड़ सकता है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो देखिए, वसुंधरा राजे के बारे में खबर आ रही है कि उन्होंने इस बार अपने आप को झालावाड़ में जानबूझकर सीमित रखा, वो कहीं गई नहीं, पार्टी से नाराज थी। जहां तक शिवराज जी का सवाल है, ठीक है, उन्होंने मीटिंग की थी और उन्होंने ये भी कहा था कि इस बार तो वो छिंदवाड़ा जीत के रहेंगे, लेकिन जो खबरें आ रही है मध्य प्रदेश में भी वो बहुत ज्यादा इनकरेजिंग नहीं है। कई ऐसी सीट्स हैं जहां पर बीजेपी का जो पेच है वो बिल्कुल फंसा हुआ है। तो क्या वसुंधरा और शिवराज इस बार मिल करके मोदी जी को एक बड़ा सबक सिखा सकते हैं, इस पर ही आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो वरिष्ठ मेहमान जुड़े हुए हैं। राजस्थान से वरिष्ठ पत्रकार अनिल शर्मा हमारे साथ हैं और भोपाल से राकेश दीक्षित जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राकेश जी भोपाल के जाने माने पत्रकार हैं। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। और मैं अनिल जी से शुरू करती हूँ कि अनिल जी, 25 सीटें हैं राजस्थान में और वसुंधरा का एक फैक्टर जो इस बार बहुत ज्यादा विजिबल है कि वसुंधरा नजर आई नहीं, इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है इस बार। जी देखिए नीलू जी, वसुंधरा जी कोई कुछ भी बोले, मतलब मैं इसको इंग्लिश में बोलूंगा, यू हेट हर, यू लव हर, बट यू कैनॉट इग्नोर हर। दैट्स वेरी क्लियर अबाउट वसुंधरा राजे इन राजस्थान। अगर आप इग्नोर करोगे तो मार खाओगे, क्योंकि उनका जो पैन स्टेट स्टेचर है वो किसी और नेता का बीजेपी में नहीं है। क्या आप सोचते हैं भजनलाल जी कैन हैव द सेम स्टेचर जो वसुंधरा राजे का है? बिल्कुल नहीं। और यही दिक्कत बीजेपी को अब के आई, क्योंकि वसुंधरा जी कन्फाइंड रही या कंसंट्रेटेड रही झालावाड़ 12 कॉन्स्टिट्यूंसी में, जहां से उनके बेटे लड़ रहे। इसके अलावा एक आध जगह कहीं और गई होंगी, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा वो नहीं गई। और जबकि वो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं बीजेपी की, या तो उनको बुलाया नहीं गया या वो गई नहीं। ये क्वेश्चन जरूर है जो जिसका रिप्लाई मेरे पास आज की तारीख में नहीं है। क्या उनको बुलाया गया था, उन्होंने मना करा, या उनको बुलाया ही नहीं गया, ये हमें अभी तक पता नहीं है। पर फॉर श्योर मैं आपको एक चीज बताता हूं कि वसुंधरा जी के नहीं जाने से बीजेपी को अंतर पड़ा होगा, क्योंकि उनका एक पूरा का पूरा, आप देखें जो वो बोलती थी कैनवेसिंग के टाइम पे, बड़ा टिपिकल चीज थी कि मैं जात से क्षत्रिय हूं, मेरी शादी जाटों में हुई है, जाटों की बहू, और मेरी बहू गुजर है। तो आपने तीन समाजों को टारगेट कर लिया और यही चीज उनके फेवर में जाती थी। फिर उनका चेहरा जाना पहचाना था, जहां भी वो जाती थी भीड़ इकट्ठी होती थी। मैंने आपके शो में ही शायद एक चीज बताया था कि भजनलाल जी किसी रैली में गए थे, वहां से लोग उठ के जाने लगे तो पीछे से लोगों की आवाज आई, आपको महादेव जी की सौगंध, आप उठ के नहीं जाएंगे, आप हिंदू हैं तो उठ के नहीं जाएंगे। तो अभी तक लोग, क्योंकि मैं उस वीडियो की गारंटी नहीं ले सकता वेरिसिटी की, वो सही है गलत है, इसलिए सिर्फ कोट करा है मैंने। तो क्या इतनी बुरी हालत बीजेपी की राजस्थान में है बिना वसुंधरा के? ये देख के लगता है। ये एक इंसिडेंट है। मैं दूसरा इंसिडेंट और आपको बताता हूं, किरोड़ी लाल मीना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो बड़े नेता है मीना कम्युनिटी के, मिनिस्टर हैं भजनलाल कैबिनेट में, वो एक जगह रैली करने गए, वहां मुश्किल से 50 लोग आए, वो नाराज होके और मीटिंग छोड़ के चले गए। तो ये चीजें राजस्थान में आपके देखने को मिली। वसुंधरा जी का मैं बता देता हूं, को पैन स्टेट लीडर हैं, मास अपील रखती हैं, कारिज्मा है, लोग उनको जो बोलते हैं लोग उनको मानते हैं। और आपके एक नाराजगी और देखने को मिली, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आपको बताता हूं। लोग ये बोल रहे थे हमने भजनलाल जी के लिए वोट नहीं दिया था असेंबली में, हमने ये कभी नहीं कहा था कि भजनलाल जी जैसा कोई आदमी हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। मतलब लोगों के दिमाग में भी था या तो वसुंधरा राजे
या उनके समकक्ष कोई नेता होगा उसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। क्योंकि यहां पर क्या हुआ, राजस्थान की अस्मिता का सवाल आ गया, क्या सारी फाइलें दिल्ली जाएंगी, क्या राजस्थान को दिल्ली संभालेगा, ये राजस्थानियों में एक आवाज उठी। दूसरी आवाज उठी, क्या हम एक ब्यूरोक्रेटिक रन गवर्नमेंट देख रहे हैं, क्योंकि सीएस ज्यादा पावरफुल लोग हैं सीएम से, वो कहीं भी जाते हैं फाइलें चेक करते हैं हर चीज वो कर रहे हैं, तो क्या हमारे सीएम का काम यही है फीता काटो काटो और गाड़ी चलाओ, पॉलिसी डिसीजन क्या सीएस लेंगे सारे। ये चीजें मिलके मुझे लगता है बीजेपी को इंटरनली कहीं ना कहीं मुझे नुकसान होता हुआ दिख रहा है। और ये जो नाराजगी है वसुंधरा के प्रति लोगों का जो लगाव है, वो मुझे लग रहा है वो लगाव अभी तक लोगों का नहीं छूट पा रहा। इसीलिए लोग जब वसुंधरा नहीं दिखी, इसीलिए लोग अशोक गहलोत को वापस याद करने लगे। अशोक गहलोत ने करीब 55-60 राजस्थान में रैली करी होंगी, जहां भी वो जाते थे गांव में, शहरों में बात नहीं करूंगा, लोग उनको मुख्यमंत्री मानते हैं, उनके पास पर्चे लेके पहुंच जाते थे, उनको समझाना पड़ता था कि मैं नहीं हूं अब भजन लाल जी हैं। तो ये सिचुएशन इमोशनल कनेक्ट अभी भी लोगों का अशोक गहलोत को भूले नहीं है गांव में, अर्बन एरियाज में तो ऐसा नहीं है, गांव में लोग भूले नहीं है। आप देखिए बाड़मेर में एक रैली हुई प्राइम मिनिस्टर की। एक एक चीज और है कि 25 सीटें हैं, 25 लोकसभा सीटें हैं राजस्थान में, और 25 सीटों में कितनी सीटें ऐसी हैं जहां पर डायरेक्ट इंपैक्ट वसुंधरा राजे का है, और क्या आज हम कह सकते हैं कि वसुंधरा राजे को इग्नोर करके मोदी जी ने एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर किया है और पार्टी की तरफ से एक बहुत ही बड़ा रणनीतिक ब्लंडर है। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो 25 की 25 सीटें वसुंधरा जी की है, मतलब उसमें से कोई भी सीट मैं नहीं बोलूंगा जो वसुंधरा जी की नहीं है। 2019 के चुनावों में उन्होंने एक्सटेंसिवली टूर करा था, जबकि 2018 में वो चुनाव हार गई थी बीजेपी, और उसके बाद भी 25 एमपीज लेके आई थी, उनके चॉइस के कैंडिडेट से सबकी कैनवेसिंग उन्होंने करी थी। तो आप ये मान के चलिए 25 की 25 उनकी थी। देखिए बीजेपी को एक पैन स्टेट लीडर की बहुत सख्त जरूरत थी अब के, और वो पैन स्टेट लीडर कोई नहीं था, सब अपने अपने एरियाज में कंसंट्रेट होकर रह गए। भूपेंद्र यादव क्या राजस्थान टूर कर पाए, वो अलवर से निकल ही नहीं पाए। क्या अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर छोड़ पाए, वो अपने यार एरिया से निकल ही नहीं पाए। कैलाश चौधरी जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है एक और, क्या वो निकल पाए, वो भी नहीं निकल पाए। तो आप किस पे बैंक करते, जो लोकल हैं लीडर्स, स्टेट लीडर्स हैं, जिसमें सीएम है या पार्टी प्रेसिडेंट है सीपी जोशी, वो भी कितना निकल पाए, क्योंकि वो चित्तौड़गढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल लीडर्स निकल नहीं पाए। तो वसुंधरा जी की कमी, मैं मानता हूं गलती करी गई, और बहुत बड़ी गलती करी गई कि वसुंधरा जी को बुलाया नहीं या वो गई नहीं, ये मैं नहीं जानता हूं, पर वसुंधरा जी की प्रेजेंस वाज रिक्वायर्ड एवरीवेयर, ये बात बिल्कुल श्योर है। मतलब एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर है। अब मैं राकेश जी के पास आती हूँ, उसके बाद फिर एक फाइनल कमेंट के लिए अनिल जी आपके पास आऊंगी। राकेश जी मुझे बताइए कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के पहले चरण के बाद क्या प्रोस्पेक्ट्स लग रहे हैं, क्या आज हम ये कह सकते हैं कि शिवराज का जो एक दबदबा होता था जब वो मुख्यमंत्री थे, और मुख्यमंत्री से हटने के बाद जो शिवराज है आज, क्या कहीं ना कहीं उनका असर देखने को मिल रहा है, और कई ऐसी सीटें हैं जहां पर मध्य प्रदेश में बीजेपी का पेच फंसा हुआ है, तो क्या आज शिवराज एक बड़ा फैक्टर है कि उनको भी एक तरीके से साइडलाइन कर दिया गया है? ठीक है, उनको लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए बोल दिया गया, लेकिन वो ज्यादा बड़ा असरदार एक चुनाव कैंपेन बीजेपी के लिए खड़ा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया क्योंकि पार्टी ने उनको इग्नोर किया। देखिए नीलू जी, जैसे वसुंधरा राजे की राजस्थान में स्थिति है, वही स्थिति शिवराज सिंह चौहान की मध्य प्रदेश में है। जैसा कि साथी अनिल शर्मा जी ने कहा, यू कैन लव हिम और हेट हिम बट यू जस्ट कांट इग्नोर हिम। अच्छा देखिए, वो विदिशा सीट से है, ट्रेडिशनली वो भारतीय जनता पार्टी की सीट है, और शिवराज सिंह चौहान को तो वहां नॉमिनेशन फॉर्म भरने के अलावा जाने की जरूरत भी नहीं है, स्टिल ही इज स्टक इन दैट सीट, उनको बाहर जाने नहीं दिया जा रहा। उनकी सबसे ज्यादा डिमांड है, मतलब नरेंद्र मोदी के बाद में सबसे ज्यादा मांग है उनकी सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो भी हुई, लेकिन वो वही रहे बस। कल भर वो जरूर उनके जो बहुत कट्टर समर्थक है आलोक शर्मा, वो भोपाल से उन्हें नॉमिनेशन फॉर्म भरा, तो उसमें चीफ मिनिस्टर मोहन यादव भी थे और शिवराज सिंह चौहान भी थे, अलावा उसके वो कहीं गए नहीं।
तो अच्छा, ये कहा ये जा रहा है बीजेपी में, ये बनाया जा रहा है कि भाई सबको अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी देखना है क्योंकि फाइट है, जबकि विदिशा में कोई फाइट ही नहीं है, वहां पर तो इट्स ए केक वॉक फॉर हिम। उसके बाद भी उनको कहीं कैंपेन नहीं करने दिया जा रहा है, तो इसका मैसेज जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनमें ठीक नहीं जा रहा है। एक दो जगह वो गए भी, तो एक जगह तो ये हुआ कि वहां पर मुख्यमंत्री भी थे और शिवराज सिंह चौहान भी थे, और वहां पर शिवराज सिंह चौहान नहीं थे, मुख्यमंत्री थे और अमित शाह थे, और वहां पर वी वॉन्ट शिवराज, वी वॉन्ट शिवराज के नारे लगने लगे, वहां पे जनता में से इस तरह का नारे लगने लगे और मांगे उठने लगी। तो नेचुरली इट वाज क्वाइट एन ऑकवर्ड मोमेंट फॉर द चीफ मिनिस्टर। तो उसको फिर उन्हें जैसे तैसे स्थिति संभाली, लेकिन ये मैसेज वाज इनएस्केपेबल। वो तो लोगों ने जान लिया कि शिवराज की अभी मांग है, और शिवराज के साथ में शिवराज में उस तरह की जैसे वसुंधरा राजे में जो हेगड़ी है और जो थोड़ा वो है, वैसा शिवराज सिंह चौहान नहीं है। शिवराज सिंह चौहान कम से कम नरेंद्र मोदी के मामले में बहुत डोसाइल है, बहुत मीक है, वो ऐसी हिम्मत नहीं करेंगे, इस तरह का प्रदर्शन भी नहीं करेंगे, ये इस तरह का दूर तक भी संकेत नहीं देंगे कि वो थोड़ा सा नरेंद्र मोदी की अवहेलना कर सकते हैं, अवहेलना करना चाहते हैं, वो सब नहीं है। दूसरा ये कि शिवराज सिंह चौहान को ये लग रहा है कि अगर अगली सरकार नरेंद्र मोदी की फिर बनी, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो उन्हें कोई महत्वपूर्ण पद मिलेगा और केंद्र में कोई मंत्री, स्ट्रांग मंत्री बन सकते हैं, क्योंकि अभी नरेंद्र सिंह तोमर राज्य की राजनीति में आ गए हैं, वो मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर हैं, तो एक केंद्र में एक महत्वपूर्ण मंत्री का पद खाली है, तो शिवराज सिंह चौहान की नजरें इस वहां पर भी है, इसलिए वो इस तरह का कोई संकेत नहीं देना चाहते कि मेरी मुख्यमंत्री पद से जाने के बाद में मैं किसी तरह से अपसेट हूँ, नाराज हूँ, और मेरी वजह से कोई यहाँ पर स्थिति बने। लेकिन आम कार्यकर्ताओं में ये बात है कि ये सब लोग इसको शिद्दत से महसूस कर रहे हैं कि शिवराज मतलब अंडर यूटिलाइज्ड है, उनकी जितनी मकबूलियत है पूरे राज्य में और उसके हिसाब से उनको प्रचार नहीं कराया जा रहा है। आज जैसे आज पहले दौर का चुनाव तो खत्म हो गया, 6 सीटें थी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण सीट छिंदवाड़ा की थी, छिंदवाड़ा में शिवराज सिंह चौहान एक भी दिन नहीं गए, जबकि मुख्यमंत्री वहां 10 दिन रुके और 2 रातें भी रुके, और फिर जो छिंदवाड़ा में जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी ने खेल खेले हैं वो तो जग जाहिर है। वहां पर कमलनाथ के सबसे विश्वसनीय साथी दीपक सक्सेना है, उनको तोड़ा। वहां पर एक विधायक है छिंदवाड़ा की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी की, एक असेंबली सेगमेंट है अमरवाड़ा, वहां से जो बहुत महत्वपूर्ण विधायक था कमलेश शाह, उसको तोड़ा। छिंदवाड़ा के मेयर को भी भारतीय जनता पार्टी में लाया, लेकिन दिलचस्प ये है कि आज मेयर ने वोटिंग के 1 घंटे पहले वापस अपील की कि मैं मुझसे गलती हो गई थी, मैं तो कमलनाथ जी के साथ में हूँ और नकुलनाथ जी को ही वोट दीजिए, मैं इस झांसे में आकर भारतीय जनता पार्टी ही चला गया था। तो वहां बड़ी अफरा तफरी मची हुई है छिंदवाड़ा में। अच्छा, वोटिंग पिछले चुनाव की तुलना में थोड़ी कम हुई है, तो उससे भी सारे जो समीकरण है बिगड़ गए हैं। अब वहां पर ये है कि इन लोगों ने इतने ज्यादा, खासतौर पर जैसे विजयवर्गीय वहीं पर डेरा डाले हुए हैं, और वो बिल्कुल लाइव मतलब लेफ्ट राइट सेंटर सब हिट कर रहे हैं, तुम भी आ जाओ भाजपा में, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तो उससे वहां पर खासतौर पर जो ग्रामीण इलाके हैं, छिंदवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी में 40% ट्राइबल हैं, और वह की 7 जो विधानसभा क्षेत्र हैं, 7ों विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के विधायक हैं, और वहां पर जो रूरल एरिया में है वहां पर ये है कि आदिवासी जो है उनमें ये संदेश जा रहा है कि कमलनाथ को बहुत सताया जा रहा है, उनपे अनर्गल दबाव डाला जा रहा है, तो और भारतीय जनता पार्टी जिस आक्रामक शैली से सब लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, उसका अब रिएक्शन उल्टा हो रहा है। इट्स गोइंग टू बी काउंटर प्रोडक्टिव फॉर द बीजेपी। नहीं, लेकिन
जो आप कह रहे हैं कि ये रणनीति काउंटर प्रोडक्टिव हो रही है, तो क्या अगर शिवराज आज मध्य प्रदेश में फोरफ्रंट पर होते तो क्या ये क्राइसिस मैनेजमेंट और अच्छा बीजेपी का हो सकता था? निश्चित रूप से होता। कांट हियर। हाँ नहीं नहीं मैं कह रही हूँ कि क्या ये क्राइसिस मैनेजमेंट और अच्छा हो सकता था अगर शिवराज चौहान फोरफ्रंट पर होते। आज अगर 29 सीटें हैं तो आज 29 की 29 सीटें या फिर 28 तो बीजेपी जीतने की पोजीशन में नजर आती। हाँ निश्चित रूप से हो सकता था। शिवराज सिंह चौहान नवंबर 2005 से अब तक रहे और उसमें 15 महीने के कमलनाथ के कार्यकाल को छोड़ दे तो लगातार चीफ मिनिस्टर रहे। ही इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर, बीजेपी चीफ मिनिस्टर इन इंडिया। तो वो अच्छा, ही नोस द स्टेट लाइक बैक ऑफ हिज पाम। वो पूरे राज्य को छान चुके हैं, उनकी उनकी फॉलोइंग पूरे राज्य में है। तो उसका उनको अगर उनको फोरफ्रंट पे रखते, उनको सामने रख के अगर बनाते चुनाव की स्ट्रेटजी, तो निश्चित रूप से उसका फायदा होता। जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, वो राज्य को उस तरह से समझते नहीं है। मुख्यमंत्री वो तीसरी टर्म के विधायक हैं और पहली बार मंत्री 2020 में बने, जब कमलनाथ की सरकार को गिराकर भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता बनाई थी, तब पहली बार बने हैं। उस तो इसेंशियली वो जिला स्तर के नेता रहे हैं, उज्जैन से बाहर उनकी कोई पकड़ नहीं थी और अभी भी यही है। अभी वो उनके कार्यकर्ता उनको ज्यादा जानते नहीं है, उज्जैन के अलावा मालवा के अलावा जैसे बुंदेलखंड में है या महाकौशल क्षेत्र में है या ग्वालियर अंचल में है। ग्वालियर अंचल में तो वो ज्यादा प्रयास कर भी नहीं रहे क्योंकि वहां पर ज्योतिराज सिंधिया के हवाले है, लेकिन उसकी वजह से काफी कंफ्यूजन की स्थिति है। अच्छा, इनको ये लग रहा था कि शायद यादव मुख्यमंत्री रखने से हम जाति समीकरण को यहाँ पर साथ लेने की स्थिति में होंगे, लेकिन वैसा हो नहीं रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश में बिहार या उत्तर प्रदेश की तरह से यादव वोटर बहुत ज्यादा नहीं है और जितने हैं भी वो पूरे प्रदेश में बिखरे हुए हैं। तो कहीं भी कोई ऐसी डिसाइसिव कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं जैसे मैनपुरी या इटावा जैसी उत्तर प्रदेश में कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि शिवराज के साथ में है कि ही इज अपील इज अक्रॉस ओबीसी। वो स्वयं किरार है लेकिन चाहे रघुवंशी हो, चाहे पाटीदार हो, चाहे किरार हो, चाहे और दूसरे पटेल हो, जो दूसरे भी जो ओबीसी हैं, रघुवंशी हैं, उनके बीच में भी उनकी अपील है। तो वो ही हैज बीन अंडर यूटिलाइज्ड इन दिस इलेक्शन सो फार। अभी तो खैर अभी अभी मतलब मध्य प्रदेश में 3 राउंड के इलेक्शन और बाकी है, 26 को है, 7 मई को है, उसके बाद भी है जी। अब कुल मिलाकर अंतिम राउंड ऑफ क्वेश्चंस के लिए आ रही हूं और बहुत संक्षेप में अनिल जी अब आपसे बात करूंगी कि अब दोनों स्टेट्स का अगर हम मिला ले तो 29 प्लस 25 54 सीटें जो इस दोनों राज्यों में नजर आ रही हैं, क्या मोदी जी के लिए सबसे बड़ा सबक यही है कि जो उन्होंने अपने पुराने दिग्गजों को साइडलाइन किया है, 54 सीटें ऑलमोस्ट आप देखिए कि बिल्कुल वहां पर पूरा डायनामिक्स खिसक चुका है, तो क्या मोदी जी इस चीज से सबक लेंगे या आपको लगता है कि मोदी जी इससे सबक नहीं लेंगे? उनको जो करना है वो करेंगे। आज आज बीजेपी को उसी का खामियाजा भुगतना है कि अपने जो स्टॉलवर्ट्स हैं, पुराने लीडर्स हैं, उनको उन्होंने साइडलाइन कर दिया। नीलू जी अगर हार गए तो क्या करेंगे? मतलब मेरा एक क्वेश्चन है, हार गए तो क्या करेंगे? ये क्वेश्चन तब उठेगा जब जीतेंगे। मेरा मानना है राजस्थान के अंदर आज जो 12 सीटों पर चुनाव हुआ उसमें से करीब 8 से 9 सीटें बहुत बुरी तरह फंस गई है, क्योंकि राजस्थान में पोलिंग अभी फाइनल पोलिंग फिगर देख रहा हूं मैं, वो करीब 58% है। पिछले 2019 में 66 था, तो एकदम नीचे गिरा। और एक क्वेश्चन मैं बार बार लोगों के जहन में डालना चाह रहा हूं, मैंने ट्वीट भी करा है, अगर आप ध्यान से देखें जो बीजेपी रूरल स्टेट्स हैं वहां पे पोलिंग परसेंटेज नीचे क्यों आया, उन्हीं जगह क्यों नीचे आया, इसको थोड़ा स्टडी करने की जरूरत है। और ये स्टडी सेफोलॉजिस्ट कर सकते हैं या डेटा एनालिटिकल जो करते हैं काम वो कर सकते हैं, पर आप देखिएगा जिस जिस स्टेट में बीजेपी रूल कर रही है वहां पे भी ये फिगर नीचे आया। क्या बीजेपी लास्ट माइल पे लोगों को आपके नहीं ला पाई? क्या मोदी मैजिक नहीं चला? क्या कोई अंडरकरेंट था जो पूरा बीजेपी की तरफ चले गया?
या कोई अंडरकरंट था जो बिल्कुल बीजेपी के अगेंस्ट था, जो आक्रोश था लोगों में। तो मेरा मानना यह है कि ये तो एक टॉपिक हुआ, पर मैं वापस वसुंधरा राजे पे आऊंगा। वसुंधरा राजे का जो राकेश जी ने बोला अंडर यूटिलाइजेशन, मैं बोलूंगा यूटिलाइजेशन ही नहीं करा, इट्स नॉट द केस ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन, देयर इज नो यूटिलाइजेशन। उनको कुछ दिया ही नहीं गया या उन्होंने लिया नहीं, ये मेरे को पता नहीं है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। पर बिना वसुंधरा के पूरे स्टेट को पंचायत लेवल तक जानने वाला आदमी राजस्थान में बीजेपी में कोई नहीं है। इसीलिए कहा जाता है दो नेता राजस्थान में हैं जो पंचायत लेवल तक जानते हैं, वो एक तो अशोक गहलोत हैं और एक वसुंधरा राजे हैं। इन दोनों को अंदर तक का पता है और पंचायत पे डायरेक्टली फोन करके आदमी से बात भी कर सकते हैं। तो वसुंधरा जी का यूटिलाइजेशन बहुत जरूरी था। और आज का मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है बीजेपी 8 सीटों पे फंस गई है 12 में से। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप कह रहे हाँ 12 में से अगर 8 सीटों पर बीजेपी फंस गई है तो फिर अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब आज तो पहला फेज निकल गया है, अब देखना होगा। लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नीलू जी, इसमें एक चीज है, ये हम कास्ट बेसिस पे कैलकुलेशन करके बता रहे हैं। अगर मोदी फेस अगर है तो फिर तो 12 की 12 चली गई, फिर तो आप मानिए फिर तो कोई रुकेगी नहीं। बट लगता ऐसा है कि आज की तारीख में 12 से कम 8 सीट फंसी हुई है, किसी भी तरफ जा सकती है। नीलू जी, अब मैं राकेश जी के पास आती हूँ कि राकेश जी क्या कहेंगे, शिवराज जी का अंडर यूटिलाइजेशन या उन्होंने बिल्कुल जो अपने आप को आइसोलेट किया बिकॉज ऑफ बीजेपी की, बीजेपी ने उनको इग्नोर किया, आज क्या कहेंगे कि 29 सीटों में से भाजपा और आज जो जितनी भी सीटों पे चुनाव था, आपको क्या लगता है कि क्या रिजल्ट रहेगा बीजेपी का आज की? नीलू जी, आज के जो फर्स्ट फेज के चुनाव हुए उसमें 6 सीटों पर हुए हैं, उसमें से 6 सीटों में से छिंदवाड़ा सीट तो ऑब्वियसली फंसी हुई है, दूसरी एडजेसेंट है मंडला सीट है, मंडला सीट में वो ट्राइबल सीट है, मंडला सीट में भारतीय जनता पार्टी कोई अभी से नहीं, शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर है। वहां से फग्गन सिंह कुलस्ते चुनाव लड़ रहे हैं और विधानसभा में वो चुनाव हार गए थे, उसके बावजूद भी उनको लोकसभा की सीट दी गई, और जिनके खिलाफ वो लड़ रहे हैं वो है ओंकार सिंह मरकाम, ही इज अ वेरी पॉपुलर लीडर और वो राहुल गांधी से सीधे जुड़े हुए हैं, और उनको इसमें सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर बनाया है राहुल गांधी ने, और वो जीते थे वहां से, वो एक जो मंडला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के एक असेंबली सेगमेंट है उससे करीब 14,000 वोट से जीत के आए थे, और उसी में से एक जो दूसरा सेगमेंट था निवास, वहां से फग्गन सिंह कुलस्ते 8,000 वोट से हारे थे। एक हारे कैंडिडेट को उन्होंने लोकसभा में लड़ाया और जीते हुए कांग्रेस के कैंडिडेट के खिलाफ, और वहां पर फग्गन सिंह कुलस्ते के खिलाफ काफी गुस्सा है क्योंकि वहां के आदिवासी मानते हैं, वहां पे आदिवासी पॉपुलेशन 50% है, कि ये बहुत ही इलिटिस्ट हो गए हैं, वो एक तरह से आदिवासियों से जो जुड़ाव होता था वैसा है नहीं, फग्गन सिंह कुलस्ते दिल्ली के नेता हो गए हैं। तो एक वो सीट है, एक और सीट है जबलपुर सीट, तो खैर वो तो बीजेपी की है उसको, ये अर्बन सीट है जो इंदौर जबलपुर कुछ हद तक सागर या ग्वालियर में भी फंसी हुई है, ग्वालियर में वहां फूल सिंह बरैया है वो बहुत पॉपुलर कैंडिडेट है, उसमें कांग्रेस का उतना योगदान नहीं है। जो मध्य प्रदेश में जितनी सीटों पर कांग्रेस से लड़ाई की स्थिति में है वो कांग्रेस के कैंडिडेट प्लस उसके कास्ट इक्वेशन की वजह से कांग्रेस उसमें दिख रही है। कांग्रेस अपनी तरफ से कोई प्रचार में ज्यादा नहीं है, राहुल गांधी के अलावा कोई प्रचार में आ नहीं रहा है, प्रियंका गांधी एक बार आई थी और बाकी सारे नेता जैसे दिग्विजय सिंह है वो खुद राजगढ़ में कर रहे हैं कांस्टेंट, तो और जीतू पटवारी जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है या लोक लीडर अपोजिशन है जो विधानसभा में उमंग सिंगार, वो उतने बड़े नेता नहीं है। तो ये लेकिन जो पर्सनल पॉपुलैरिटी है जो कांग्रेस की कैंडिडेट्स की, सीधी के जो में कमलेश्वर पटेल है, कमलेश्वर पटेल भी CWC के मेंबर है और राहुल गांधी के साथ जुड़े हुए हैं, और वहां पर उनकी सीधी में
चूंकि एक रिबेल आ गए हैं, एक राज्यसभा के सदस्य थे अजय सिंह, उनको चूंकि वहां से टिकट नहीं दिया तो वो बीएसपी से कैंडिडेट बन के लड़ रहे हैं। तो इस तरह से करीब अभी जो 6 सीटें हैं उसमें से अगर जबलपुर और शहडोल को छोड़ दिया जाए तो 4 सीटें ऐसी हैं जिसपे फंसी हुई है। उसपे ये ऐसा नहीं कह सकते कि ये सीधी सीधी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। एक जबलपुर और शहडोल है, ये सीटों पे तो जबलपुर इन पर्टिकुलर तो इसमें तो इसमें भविष्यवाणी करना बहुत आसान है, लेकिन बाकी सीटों पे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल, कुल मिलाकर जो ये दो राज्य हैं यहाँ पर भी बीजेपी की हालत ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी जो 8 सीटों पर आज चुनाव हुआ है वहां पर भी बीजेपी की हालत बहुत ठीक नहीं बताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं चाणक्य गिरी जो अमित शाह की थी वो कहीं ना कहीं फेल तो हो गई है। मोदी मैजिक पर भी एक बहुत बड़ा सवाल है। एंटी इनकम्बेंसी जो कि प्रो इनकम्बेंसी में बदलने की कोशिश मोदी जी कर रहे थे, ऐसा लग रहा है कि अब एंटी इनकम्बेंसी नजर आ रही है। भले ही मोदी जी बार बार ये कहे कि 400 सीटों का वो दावा करें, 400 पार का नारा दे, लेकिन हकीकत इस बार बीजेपी के खिलाफ लग रही है और हवा भी ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के खिलाफ है। लेकिन बीजेपी को अपनी रणनीति पर सोचना होगा कि जो दिग्गज वसुंधरा राजे और शिवराज जैसे लोग हैं उनको साइडलाइन करके बीजेपी अपना ही नुकसान कर रही है। लेकिन ये तो तब होगा ना जब मोदी जी बीजेपी के बारे में सोचेंगे। मोदी जी को बीजेपी के मतलब नहीं है, मोदी जी तो मोदी की गारंटी दे रहे हैं, उन्होंने बीजेपी की गारंटी नहीं दी है। इसी वजह से आज बीजेपी को इसका खामियाजा शायद भुगतना पड़ेगा और वसुंधरा राजे और शिवराज चौहान आज ये दो जीते जागते एग्जाम्पल्स है जिनको इग्नोर किया गया। और आप देख लीजिए कि बीजेपी की सीटें किस तरह से दोनों राज्यों में फंसी हुई है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, राकेश जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।